अंदर एंजॉय करना है, लेकिन मुझे लग रहा है सारे लोग अपने किचन बैठ के चुपचाप से सुन रहे हैं। भाई फोटो सेशन हो गया हो तो प्लीज आप लोग आके बैठ जाएं ताकि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो। माना हूँ मिस्टर विष्णु शंकर वेलू, शुरुआत उन्होंने की थी और गलती से मैंने माइक पकड़ लिया है। भाई तेरे बगैर ये स्टेज अधूरा है, आजा। ये हमारे डायरेक्टर है, हीरो है, राइटर है, भाई इनके कंपेयरर है, सिंगर है मिस्टर विष्णु शंकर वेलू। इतनी सारी कलाओं से ओमकार सोमकार और मुन्ना दुबे दी म्यूजिक डायरेक्टर, अब तक की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना दुबे स्टेज पर। आदर जैन जी आ जाइए, तुम्हारे लिए ये भोजपुरी के कलाकारों डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों का परिवार है। म्यूजिक पर आइए, हम सब नाचेंगे। मैं सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब आगे जो है ये प्रोग्राम शुरू होगा। हम लोग मैं थैंक्स कहूंगा रितेश भैया को, उसने इंडस्ट्री को लोगों को जोड़े। तो मेरे मन में अचानक हम लोग का 5 दिन में शेड्यूल हुआ तो मैं ओमकार को बोला, बोला भाई ऐसा ऐसा है, हम लोग होली समारोह करते हैं इंडस्ट्री को अपने परिवार को लेके। तो भाई बोला मेरे जो सहयोग होगा करूँगा। मैं बोला चल बाकी तो मैं लगा ही हूँ, तो बाकी मेरा सबसे बातचीत होने लगा। बहुत से आर्टिस्ट हो, बोले ठीक है दीपक जी डन है, ऐसे भी आप हर जगह हमको इन्वाइट करते हैं, आते ही आप में क्यों नहीं रहेंगे। तो वही सब है, सबको हौसला मिला। डेट अनाउंसमेंट ओमकार जी का तो नाम लोगों को मिलाने में लगा है, थाने में भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम कराते ही रहते हैं। जरा बताइए कि किस तरह ये कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ हो रहा है यहाँ? ऐसा भैया प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे, और पहली बात तो दीपक ने इतना अपने आप को बहुत हौसला बढ़ाया उसने कि जो ये अपने भोजपुरी परिवार है, हमारी भोजपुरी फिल्म है, जो इन्होंने जोड़े सबको एक एक जन को ला के कि ये भोजपुरी है। जैसे कि होली का प्रोग्राम ये कभी जल्दी हुआ नहीं है, 2020 में रितेश भैया ने किए, उसके बाद लॉकडाउन लगा, उसके बाद ये अभी दीपक ने किए हैं। और मैं इनको बेस्ट ऑफ लक दूंगा कि आप करते रहिए और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और रहा मेरा प्रोग्राम का सवाल, तो आप तो जानते ही हो कि हर साल थाना में होता रहता है। माहिर आपसे जानना चाहेंगे, आप एंकरिंग भी कर रहे थे, कितना शानदार ये कार्यक्रम है, बहुत दिनों बहुत सालों के बाद यहाँ हो रहा है, कैसा कुछ लग रहा है और कौन कौन से कलाकार हैं जरा बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दीपक जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे ये मंच दिया एक बार फिर से, और ये हमेशा मुझे ग्रीन सिनेमा अवार्ड में भी इन्होंने मुझे ये मौका दिया था कि मैं परफॉर्म करूँ। तो आज यहाँ परफॉर्म करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में एक्टर में मनोज आर पांडे जी मौजूद हैं, राहुल शर्मा मौजूद हैं, एक्ट्रेस में प्रियांशु है हमारे बीच में, और निकिता है, गरिमा है, बहुत सारी एक्ट्रेस यहाँ पर मौजूद हैं जिनके परफॉर्मेंस बैक टू बैक होने वाले हैं। उमेश सर भी हमारे बीच में है, रमेश द्विवेदी सर एज एन एक्टर हैं, दीपक सिन्हा जी हैं एज एन एक्टर। तो मतलब सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है बारी बारी से, लेकिन आई होप कि आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि होली एक ऐसा दिन होता है कि आज के दिन की यादें हमारे पास पूरे साल के लिए महफूज हो जाती हैं। होली में अपने रंग होते हैं, हालांकि आजकल लोग रंग थोड़ा कम खेलना चाहते हैं, कलर्स को अवॉइड करते हैं। माही बचपन में तो थोड़ी होली अलग किस्म की खेली जाती थी, हमारे यहाँ कीचड़ उचड़ में ले जाके लोग पटक देते थे, आपके यहाँ ऐसी होली होती? अरे एकदम होती है सर, अभी भी होती है। मतलब कीचड़ में पटकना हम लोग भूल जाए तो मतलब ही नहीं होली। देखते हैं लोगों को, लेकिन हम लोग अपनी बात करें, बाई कास्ट मैं मुस्लिम हूँ, माही खान नाम है मेरा, बट बचपन से मैंने होली के हर एक त्यौहार को, होली के हर एक पर्व को मैंने ऐसे जिया है ना कि मैं उसको एक्सप्रेस कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं मुझे, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, दिन में फास्टिंग लेकिन शाम में मैं होली खेल रही हूँ। वो इसलिए आप हमारे साथ इफ्तार कर लें, हम आपके साथ होली खेल लें, बस यही तो है।
तहजीब तो यही है जी। बिल्कुल दीपक जी, आपने भोजपुरी जगत को गौरवान्वित किया है, बहुत सालों बाद हुआ है। जरा बताइए कि इतना आसान तो नहीं हुआ होगा कि इतने लोगों को एक साथ जोड़ना, थोड़ा सा अपना कुछ देखिए कैसा होता है। अगर कोई चाह ले तो हम क्यों नहीं कर पाए, तो मुझे अभी मेरी फैमिली से मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट, और स्पेशल मैं थैंक्स कहूँगा मैं अपने बड़े भैया को, जो मैं जिनको जान से ज़्यादा मैं मानता हूँ, तो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है, और राम से पता नहीं मैं उनके लिए लक्ष्मण बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए राम बन के हमेशा खड़े रहते हैं। और मेरे बड़े भैया वो जीतू एल जो जे एल जी बिल्डर डेवलप्स है मेरे बड़े भैया के नाम से। आप गाना गाते हो दीपक जी? नहीं सर। अच्छा, पटना में तो भी कुर्ता फाड़ होली भी हुई थी मैंने देखा था, अपने यहाँ भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा इसके बाद? इसके बाद तो होली समारोह बाद रखेंगे, होली बीतने के बाद एक होली समारोह रख रहे जो अपने एरिया में, कोशिश करेंगे हम कि कुर्ता फाड़ हो जाए, क्योंकि ये भोजपुरी है, कुछ तो कुछ अलग होगा तो ही कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माही खाने में क्या पसंद होता है बेसिकली होली में? क्या होली में तो गलत दिन गलत सवाल पूछ रहे हैं आप, मतलब आज के दिन भी कोई डाइट करेगा बताएं? रमजान में तो सारा डाइट फेल, और रमजान पे होली। अच्छा। और होली में तो खास कर लोग मटन और पुआ जो बहुत ज्यादा फेमस होता है उसके साथ बचकर, आई लव दैट। मुझे बहुत पसंद है खाना, मतलब बहुत फूडी हूँ मैं। माही जी, एक दीपक भोजपुरिया के साथ एक कोई फिल्म भी शायद आ रही है, बताना चाहेंगे कौन सी फिल्म है, कुछ क्या? जी, फिल्म का नाम है तुम जो मिल गए हो, और उसमें प्रिंस सिंह राजपूत थे। आप सब मिल गए ना हमें, पूरा भोजपुरी समाज मिल गया, और क्या चाहिए। फिल्म की शूटिंग के बाद जा रही है, कहाँ शूट करेंगे दीपक? गोरखपुर कर रहे हैं। ऐसे मेरा बस्ती जो है फूलपुर इलाहाबाद था, लेकिन मुझे कुछ नहीं जमा तो मैं गोरखपुर कर रहा हूँ। गोरखपुर में शूट कर रहे हैं, और इनका शूटिंग जो है अभी चालू होगा, बहुत जल्दी होगा, मतलब एक होली के बाद में हो जाएगा। होली बाद से अभी डेट शायद फिक्स नहीं है ना, 29 शायद, लेकिन अभी इसको मत डालिए 29 क्योंकि अभी हमारी हीरो नहीं मिल रही। ओके ठीक है, ओके वेलकम, थैंक यू मीडिया वाले सभी को धन्यवाद सब जन, क्योंकि मेरी फैमिली आ गई है अब मैं इंपोर्टेंट। चलिए, होली आपको कैसी लग रही है, बहुत सालों बाद हुई है? जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं और समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे। सर, आज की होली कैसी लग रही है? ये बहुत ही, मतलब कहा जाए कि हम सब मिल करके अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक साथ होली मनाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे को अभी रंग लगाते हैं, और यहीं से होली की हम लोग की शुरुआत होती है। सर, ये जानना चाहेंगे आपके चेहरे में बहुत सारा कलर लगा हुआ है, कौन सा कलर आपका पसंद वाला कलर? देखिए, मुझे सारे कलर पसंद हैं, सातों के सातों रंग मुझे बहुत भाते हैं, क्योंकि हर एक कलर का सबका अपना गरिमा है। सर, ये जानना चाहूँगा, एक पोस्टर मैंने देखा था जिसमें आप गन ऑन लिए थे, क्या पोस्टर था, क्या कुछ कहानी है, जरा आगे बता दें। मेरा एक एल्बम आया है डेजी म्यूजिक से, नाम है शूटर, और हमने और शिल्पी राज ने गाए हैं, और फिर मैंने परफॉर्म भी किया है, हमारे साथ जो एक्ट्रेस है अनारा गुप्ता जी है, तो बहुत कमाल का एल्बम है, आप लोग भी जा कर के देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सर, विजय सर आइए आप भी। हेलो, भोजपुरी होली कई सालों बाद यहाँ हुई है, कैसा लग रहा है? मैं तो पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में, पहली बार भोजपुरी जो होली महोत्सव होता है ऐसा होता है कि मैंने कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, लोग भांग भी पी रहा है कुछ तो, और उधर प्रोग्राम भी चल रहा है, बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। दीपक भोजपुरिया को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, और हर साल ऐसे प्रोग्राम रखते रहे दीपक भोजपुरिया, हम लोग सब उसको साथ देंगे और उनको मदद भी करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री इसी तरह आगे बढ़ते रहे। शिवा सर, ये भी जानना चाहूँगा, डीजी जो म्यूजिक है, क्या अगले साल इस तरह का होली का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक भोजपुरी की ओर लेके आ रही है? हाँ, इससे बड़ा बड़ा प्रोग्राम करेंगे डीजी म्यूजिक, और हम लोग अभी शुरुआत है, हम लोग अभी बड़ा और एक लॉन्च करने वाला हूँ, 2 महीने बाद हम लोग पिक्चर लाइन में भी डीजी म्यूजिक आ रहा है, और गाना तो बनते ही रहेगा, हमारा जो चैनल है इसकी तरफ से हम लोग अभी बड़े बड़े भोजपुरी फिल्म भी बनाने। ये बता दीजिए, आपके चेहरे में जो कलर लगा है किसने लगाया सर? ये मुझे पता नहीं, पीछे से किसने तो भी लगा दिया। हाँ, एक लड़की नहीं लगाया, आप बताइए। एक लड़की एक लड़का ने लगाया, पता नहीं कोई हीरो नहीं लगाया होगा, पता नहीं। ये बात विजय सर बोलते, होली कैसा लग रहा है? पहले बात तो मैं आप सभी की तरफ से, सभी
भोजपुरी समाज को, इस भोजपुरी भाषा को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज भोजपुरी में और मुंबई में वेलकम भोजपुरी करके एक होली महोत्सव का आयोजन किया गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये मेरे ही टीम से, मेरे ही छोटे भाई ने आयोजित किया, दीपक, जिसका नाम है दीपक भोजपुरिया। अभी उसकी फिल्में भी जाने वाली हैं फ्लोर पे, प्रोड्यूसर भी बनने वाला है और काफ़ी अच्छा फील हुआ। आज जिस तरह से एक अवार्ड शो में मैं सबको बटोरने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह हो एक होली महोत्सव में सब लोग एक स्टेज पे, एक मंच पे आए और होली की धूम ले रहे हैं। मैं एक चीज़ बात बोलना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी बड़े कलाकार हैं, एक ऐसा प्रोग्राम में आना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कलाकार अवॉइड करता है कि ये दीपक भोजपुरिया छोटा आदमी है, इसका प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, दूसरे प्रोग्राम में जाऊंगा। लेकिन ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए, ये मैं सबको बोलता हूँ भोजपुरी समाज के, ऐसे सबको भोजपुरी। देखिए, आप भोजपुरी के कलाकार, आपको पब्लिक ने बनाया, बड़ा बनाया, लेकिन यही पब्लिक, ये भी पब्लिक है। लेकिन आपको अनुरोध है कि ऐसे सब प्रोग्राम में आओ, भोजपुरी का नाम रोशन करो। हम तो एक बंगाली है, बंगाली होके हम भोजपुरी समाज में आया भाई, भोजपुरी गाना बना रहा हूँ, भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ, सबको सपोर्ट करता हूँ। सब भोजपुरी गाने से याद आया कि होली के ऊपर अगर कोई गाना डीजी म्यूजिक पे आया तो जरूर हमारे दर्शक बताइए। डीजी म्यूजिक में इस बार हमने आनंद फन में बना नहीं पाया गाना, क्योंकि हम वो भाभी और भैया में गाना नहीं करूँगा। हमने चैनल में पूछा था बहुत लोगों ने, अपने गाना मेरा तैयार है, मैं बोला कि शंकर भगवान का ऊपर है या भगवान का ऊपर अगर होली का गाना है तो हमें दीजिए। तो किसी के पास भगवान के ऊपर गाना तैयार नहीं था, उनके पास भाभी देवर का लफड़ा, वो मैं बोला ये एक भगवान का त्यौहार है, उसमें हम ये इस तरह का गंदा गाना हम लोग नहीं डालेंगे, इसलिए हमने इस बार डाला नहीं। अगले साल होली में अच्छे अच्छे भगवान के ऊपर गाना हम लोग डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले होली का त्यौहार है और इस मुहूर्त पे मैं आपके मुँह से, हमारे पूरे दर्शक भी चाहते हैं कि एक होली का कोई गाना सुनाइए फिर हमारे। क्या बात है, तो भोजपुरी हमने के भोजपुरिया वानेजा, और भोजपुरी का सबसे फेमस जो फाग चलता है हमने के यहाँ वो सुना रहे हैं। कि निकला गे मरद भोजपुरिया, सखी निकला गे मरद भोजपुरिया, ओ मन भावे मरद भोजपुरिया, सखी मन भावे मरद भोजपुरिया। अरे निकला गे धोती हो, निकला गे कुर्ता, निकला गे धोती हो, निकला गे कुर्ता, निकला गे सर पे पगड़िया हो, निकला गे सर पे पगड़िया हो, मन भावे मरद भोजपुरिया, सखी निकला गे मरद भोजपुरिया। अनमकिया जी, बहुत सालों बाद यहाँ जो है आपका गाने बहुत अच्छा है, बहुत सालों बाद होली का प्रोग्राम हो रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और होली कितना पसंद करते हैं? देखिए, होली तो वन ऑफ माय फेवरेट्स फेस्टिवल्स में से है, और होली में जो रंगों का अलग अलग कलर होता है वो खेलने में और मज़ा आता है, क्योंकि देखिए धरती पे अलग अलग तरह के लोग हैं, वैसे ही कलर्स भी हैं, 7 colors वी आर हैविंग स्पेशली। लेकिन और होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल्स में से है, और ये ऐसे जो महोत्सव, ऐसे जो सम्मेलन होते हैं होना चाहिए, क्योंकि इस गैदरिंग के थ्रू ना लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, कभी कभी तो जो लड़ाई झगड़ा होता है ऐसे महोत्सव में लोग मिल जाते हैं। तो इट्स अ टीम वर्क, और ऐसी हार्मनी और कोऑर्डिनेशन सबके साथ बना रहना चाहिए। अगर मैं जानना चाहूँगा, ये दर्शक भी जानना चाहते हैं, ये जो प्रोग्राम हुआ था, सो संग्राम का विनर हुए हैं, उसके बाद क्या लाइफ बहुत चेंज हुई, लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होने लगे? सुर संग्राम मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, जो हर सिंगर या हर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट सोचता है कि एक बार वो दिन आ जाए, और मेरे लाइफ में वो 2023 में आया। और मैं अकेली लड़की उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट की, आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम देवरिया उत्तर प्रदेश, और निरहुआ जी की टीम में सी थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज यहाँ कौन सा गाना परफॉर्म करेंगे, क्या कुछ होने वाला है आपकी तरफ से? आज मैं टोनी फिल्म्स का गाना गाने वाली हूँ, जीजा जी रंगदारी ना करी। दो लाइन जरूर सुनूंगा, ये थोड़ा फागुन में ही खातिर इलाका दादा, ठीक नहीं खिला गाता तो हर इरादा, अब हिसाब बाटे हमरो झूठ थारी ना करी, जीजा जी रंगदारी ना करी, होली में बरियारी ना करी, जीजा जी रंगदारी ना करी,
होली में भरी आरी नाकारी। सर आपसे जानना चाहूंगा टोनी फिल्म्स के बारे में बताइए, अपना भी परिचय दर्शकों। सर मेरा नाम टोनी सिंह, मेरा चैनल है टोनी फिल्म्स। बहुत अच्छा अभी ये गाना होली का रिलीज ट्रेंडिंग पर चल रहा है जो अनामिका जी ने गाया है, और पहली बार मुझे सब में मौका मिल रहा है बोलने का, और आज यहाँ बुलाया मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो हमारे मैनेजर बताएंगे। सबसे पहले तो आपने भोजपुरी समाज का सभी टोनी फिल्म की तरफ से नमस्कार स्वीकार करें हमारा, और जैसा कि हमारा ये होली का त्यौहार है पूरे भारतवर्ष को हमारा होली का त्यौहार मुबारक हो, और हमारा जो चैनल है टोनी फिल्म आने वाले समय में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट लाने वाला है, तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे भोजपुरी दर्शक हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने की कोशिश। जरा खुल के सर बताइए कि गाने आने वाले हैं, फिल्म आने वाली है, शॉर्ट फिल्म आने वाली है, जरा उस कुछ है। हमारे फिलहाल तो अभी हम एल्बम पे फोकस किए हुए हैं, लेकिन कुछ ही समय में हम मूवी पे भी काम कर रहे हैं। बहुत जल्द होली का समारोह यहाँ कैसा लग रहा है आप लोगों? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोगों का सबका धन्यवाद। आपके मुख से एक गाना सुनना चाहें, चाहे होली पे हो या कोई और। आपको जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, और एने गैनी ओने गैनी मिलल हमर भाई, साली के रोंग लगनी देखलक भौजाई, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। क्या होता है ना, रैपर हूँ, हिप हॉप रैप गाता हूँ, अपना तरीका अलग है, बिल्कुल ऐसे ही गाता हूँ अपन। रंग चली, भांग चली, गुजे चली, भुजिया चली, साली भागे जीजा के पीछे, साली भागे जीजा के पीछे, मामी भागे मामा भागे मामी के पीछे, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। तो ये इस टाइप का ये मसाला होली में होता है भाई, जब तक मसाला आप नहीं डालेंगे तब तक होली होता नहीं। नितेश्वर सर ये जानना चाहूँगा, आपके बीच का आपका खास दोस्त है, दोस्त में कहे जाते हैं दीपक भोजपुरिया, ने ये होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? देखिए भोजपुरी में पिछले साल मुझे नहीं लग रहा कुछ हुआ था, ऐसा होना चाहिए कार्यक्रम मिलन समारोह, और एक दूसरे को मिलते एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ कलाकार एक दूसरे मिल के विश करते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम भी आगे की और होने को लोग करते भी है प्रोग्राम, तो ऐसा प्रोग्राम होना भी चाहिए। और इनको बहुत धन्यवाद करता हूँ दीपक भोजपुरिया जी को कि ऐसे प्रोग्राम हर साल करते रहें और इसकी जो और भी स्तर बढ़ाते रहे, कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते रहे, तो बड़ा आनंदित हूँ मैं, बड़ा खुश हो रहा हूँ। ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ होली के अलावा जो भोजपुरी का जो लिट्टी चोखा यहाँ दिखाई दे रहा है, इमरती जो मुंबई में नहीं दिखाई देती है यहाँ इमरती भी भोजपुरी का दिखाई दे रहा है, और साथ में मुंबई का रंग जो है पानीपुरी का है, क्या कुछ पे भी आपका कहना रहेगा? देखिए क्या है ना, यहाँ मुंबई और भोजपुरी का मिलन है। देखिए मुंबई का सबसे फेमस होता है पानीपुरी, तो पानीपुरी भी है और हमारा लिट्टी चोखा भी है, तो दोनों का मिलन है, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने जुगलबंदी किया है लिट्टी चोखा और पानीपुरी का, तो मानना पड़ेगा भाई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ख़त्म ना हो, रात भर लोग को मिलता रहे और पेट भर के लोग खाएं। कोई आपका प्रोजेक्ट आ रहा है या दर्शकों को बताना चाहिए? हाँ मेरा प्रोजेक्ट अभी जिप्सी म्यूजिक पे दो गाने आ रहे हैं, सरनम दे दो अपना जान, और दूसरा है बॉम लागे लू, तो गाना बहुत जल्द रिलीज होगा जिप्सी म्यूजिक पर, हमारे धीरेन त्रिपाठी जी उनका चैनल है, तो बस मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी ये गाना आए और आप सभी के बीच ये गाना रिलीज हो। सर मेरा एक सवाल है कि जब तक होली में होली में जब तक कपड़े ना फटे तो होली का रंग फीका लगता है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, होली देखिए हमारे यहाँ मैं बिहार से हूँ, तो आप तो कपड़े फटने की बात करें, जब तक गोबर में धसड़ के नहीं गोबर में नाले में गिराया जाए तब तक होली मनाया नहीं जाता है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो कपड़े फाड़ समारोह होता है, तो वो ना हो तो फिर होली नहीं। तो ये तो बहुत यार यहाँ मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ऐसा बड़ा इज्जत वाला प्रोग्राम हो रहा है, डिसिप्लिन है, ऐसा कोई दिख नहीं रहा कपड़ा फड़ा फूड़ी दिखे। देखिए हमको भी कुछ नहीं लगाया अभी तक, तो जो लगाया वही घूम रहा है, तो मैं तो कहूँगा पहले रंग लाइए, रंग लगाइए और अपना भोजपुरी का जो सिस्टम है फाड़ा रंग, अपना कपड़े फाड़ो और गोबर से खेलो, नाले में गिराओ, ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। अनिल कटकर भोजपुरी होली का कार्यक्रम कैसा लगा पहले? सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगी, दर्शकों के साथ साथ आप सभी को भी। सबसे पहली बात तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है होली का,
और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देखिए दूसरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि होली का त्यौहार जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, रंगों का त्यौहार होता है। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये रहती है कि दुश्मन दुश्मनी छोड़ के दोस्ती की ओर चलते हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। राधा जी, ये जानना चाहेंगे दीपक पुर भोजपुरी को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उनके लगभग हर कार्यक्रम में हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? दीपक जी के बारे में यही कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर बाद में है, इंसान पहले बहुत अच्छे हैं, एकदम साफ़ सुथरा नेचर है उनका और सबको सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी हो, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको भी और जो बड़े हैं तो वो तो है ही। और एज अ प्रोड्यूसर बात करूँ तो बहुत ही अच्छे हैं और मैं चाहूँगी कि बहुत 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 तरक्की करें और हम ऐसे ही बुलाते रहें। और होली सम्मेलन में आज किस गाने पे आपने परफॉर्म किया जरा सब बताओ? मैंने किया फर्स्ट सॉन्ग पे लस लस कर था और दूसरा दाल के किवाड़ी में कीली कहीं सूखे की मिली तो ये दो सॉन्ग पे मैंने परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा रहा। और यही कहूँगी बहुत बहुत बधाई दीपक जी आपको कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके, और आप सबका प्यार तो वैसे ही मिलता रहता है और आशीर्वाद लेते रहे। राधा जी, एक चीज़ ये रह गया कि आप अभी तक इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही, कोई होली का कलर आपको नहीं लगा है, क्यों छूट गया? आप शायद होली पसंद नहीं कर रही या कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं होली बहुत पसंद करती हूँ, पर दुख की बात है किसी ने लगाया ही नहीं मुझे तो लगाने के लिए आना पड़ेगा आपको यहाँ पे हाँ आप लोग लगाइए ना, आप लोग क्यों बैठे, लगाइए। हाँ जी, गले में बड़ा प्यारा सा लॉकेट दिख रहा है जो लव लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं बस यही कहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरत लॉकेट है, मुझे बहुत पसंद है। इसका एक मीनिंग है, मेरा नाम जैसे कि आप सभी को पता है राधा, राधा का मतलब प्यार और प्यार को इंग्लिश में लव कहते हैं, बस यही बात है। थैंक यू जी। कैसा लग रहा है कि बहुत सालों के बाद भोजपुरी मिलन समारोह हुआ है, जरा उस बारे में? सच में पिछले कोविड के समय आखिरी हमारे मित्र रितेश पांडे जी इसी प्रांगण में किए थे होली का, और हम लोग रेगुलर 2-3 साल आते रहे, और उसके बाद कोविड लगा, कोविड के बाद तो ऐसा लगा कि हमारे जीवन का ही रंग हमसे बहुत दूर चला गया है। और सच में भोजपुरी में एक वही होली मिलन समारोह होता था, और उसके बाद शिरकत रखी हमारे मित्र दीपक भोजपुरिया, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर उसी प्रांगण को जिंदा किया इस भोजपुरी परिवार के साथ, तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है। हैप्पी होली। कोई याद ताज़ा हो जाती है होली जब भी आती है, तो कोई याद ताज़ा हो जाती है बचपन की बेस्ट होली कोई रही हो? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं भी एक उत्तर प्रदेश के उस ज़िले से हूँ जहाँ पे देसी और खाटी होली भी मनाई जाती है। मुझे वो बचपना याद है कि मैं छोटा हुआ करता था तो हमारे चाचा दादा काकी दादी सब लोग घर के ऑल फैमिली एक रिस्पेक्टेड होली खेला करते थे, फिर घर के बाहर एक गोबर की भी होली हुआ करती थी, वो भी हमें पता है। तो सच में ये सब यादें हैं हमारे जीवन में। अब तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि केमिकल रंग से नहीं खेलना है, केमिकल अबीर से नहीं खेलना, नेचुरल से खेलना है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव जीवन में हुआ है। तो फिर भी मज़ा लेना, होली त्यौहार हमारा हिंदू धर्म का एक अच्छा रंग है, तो उस रंग में ढलना पड़ता है। पहले इतना सब नहीं सोचते थे ना? जी बिल्कुल नहीं सोचते थे, नहीं थी, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था। सच में बहुत सारी बीमारियां पता नहीं चलती थी, लोग निकल पड़ते थे। अब तो हर चीज़ की बीमारियां पता चल जाती है, खैर निकलना है जिसको तो निकल ही जाता है। अमरीश जी, ये जानना चाहूँगा कि आज सबसे पहला जो कलर आपके चेहरे पर इतना सारा दिखाई दे रहा है, किसने लगाया और आपने किसको लगाया? इस प्रांगण में पूरा मेरा परिवार है, जिस परिवार का मैं भी एक सदस्य हूँ, भोजपुरिया परिवार है। आज उसका एक होली मिलन समारोह है, तो मैं उस समारोह का एक भाग्य हूँ, तो सबने मुझे लगाया और सबको मैंने लगाया। जो मेरे से बड़े हैं मैं उनको पैर छुआ, जो मेरे बराबर के उनसे हाथ मिला, और जो मेरी सहभागी को स्टार हैं उनको भी हमने रंग लगाया। तो सच में एक बड़ा अच्छा माहौल आया कि आज होली शुरुआत हो गई। अच्छा, होली खेलने के लिए अगर एक बार फिर से मौका मिल जाए अमरीश जी, पुरानी वाली होली जैसे पहले खेलते थे, कीचड़ में पटकना, गोबर में ले जाके कुर्ता फाड़ होली, तो आप किसके साथ खेलना चाहेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मैं उनके साथ खेलना चाहूंगा जो मेरा पहले कुर्ता फाड़ेगा, तो मैं उसका पूरा धोती लुंगी भी फाड़ दूंगा क्योंकि बुरा न मानो होली है। मैं उन सारे दोस्तों के साथ खेलना चाहूँगा जो कि हम सिनेमा में खेलते हैं, लेकिन एक नियम और कानून डायरेक्टर के दायरे में, और ऐसे रियल खेलने को मिलेगा तो सच में बहुत मज़ा आएगा, और एक दूसरे का फाड़ा जाएगा, फिर बॉडी देखा जाएगा किसका ज़्यादा है, ज़्यादा खेसारी भाई का दिखेगा।
हाँ तो वो बोलेंगे आवा आवा फड़ा। तो बहुत ही खूबसूरत माहौल है और सभी मीडिया कर्मी दोस्त हमारे हैं यहाँ पे और मैं इन्हीं के साथ, सबने तो बार बार नाम लिया ही, मैं भी ले लूँ। मेरा एक भाई जो कि हमेशा साथ में हुआ करता था, अभी 3-4-5 रोज पहले मैं एक मुहूर्त था, आनंद भैया तो थे ही, मैं फिल्म का मुहूर्त कर रहा था, साथ में था। और उसके दूसरे दिन मैं इंदौर महाकाल का दर्शन करने गया और काल एक यहाँ पे सुनाई पड़ा, जिस काल के लिए मैं दिल से, देखिए नाम भी बुला रहे हैं, छोटू भैया को नमन है, प्रणाम है, दिल से जहाँ भी रहेंगे एकदम खुशहाल रहेंगे। जी सर, आपको बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूँ। मुझे कैसा लग रहा है कि बहुत सालों के बाद भोजपुरी मिलन समारोह हुआ है, जरा उस बारे में। सच में पिछले कोविड के समय आखिरी हमारे मित्र रितेश पांडे जी इसी प्रांगण में किए थे होली का, और हम लोग रेगुलर 2-3 साल आते रहे, और उसके बाद कोविड लगा। कोविड के बाद तो ऐसा लगा कि हमारे जीवन का ही रंग हमसे बहुत दूर चला गया है। और सच में भोजपुरी में एक वही होली मिलन समारोह होता था, और उसके बाद शिरकत रखी हमारे मित्र दीपक भोजपुरिया में, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिर उसी प्रांगण को जिंदा किया इस भोजपुरी परिवार के साथ। तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है, हैप्पी होली। कोई याद ताज़ा हो जाती है होली जब भी आती है, तो कोई याद ताज़ा हो जाती है बचपन की बेस्ट होली कोई रही हो? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं भी एक उत्तर प्रदेश के उस ज़िले से हूँ जहाँ पे देसी और खाटी होली भी मनाई जाती है। मुझे वो बचपना याद है कि मैं छोटा हुआ करता था तो हमारे चाचा दादा काकी दादी सब लोग घर के ऑल फैमिली एक रिस्पेक्टेड होली खेला करते थे। फिर घर के बाहर एक गोबर की भी होली हुआ करती थी, वो भी हमें पता है। तो सच में ये सब यादें हैं हमारे जीवन में। अब तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि केमिकल रंग से नहीं खेलना है, केमिकल अबीर से नहीं खेलना, नेचुरल से खेलना है। तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव जीवन में हुआ है, तो फिर भी मज़ा लेना। होली त्यौहार हमारा हिंदू धर्म का एक अच्छा रंग है, तो उस रंग में ढलना पड़ता है। पहले इतना सब नहीं सोचते थे ना? जी बिल्कुल नहीं सोचते थे, नहीं थी, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था। सच में बहुत सारी बीमारियां पता नहीं चलती थी, लोग निकल पड़ते थे। अब तो हर चीज़ की बीमारियां पता चल जाती है, खैर निकलना है जिसको तो निकल ही जाता है। अमरीश जी, ये जानना चाहूँगा कि आज सबसे पहला जो कलर आपके चेहरे पर इतना सारा दिखाई दे रहा है, किसने लगाया और आपने किसको लगाया? इस प्रांगण में पूरा मेरा परिवार है, जिस परिवार का मैं भी एक सदस्य हूँ, भोजपुरिया परिवार है। आज उसका एक होली मिलन समारोह है, तो मैं उस समारोह का एक भाग्य हूँ। तो सबने मुझे लगाया और सबको मैंने लगाया। जो मेरे से बड़े हैं मैं उनको पैर छुआ, जो मेरे बराबर के उनसे हाथ मिला, और जो मेरी सहभागी को स्टार हैं उनको भी हमने रंग लगाया। तो सच में एक बड़ा अच्छा माहौल आया कि आज होली शुरुआत हो गई। अच्छा, होली खेलने के लिए अगर एक बार फिर से मौका मिल जाए अमरीश जी, पुरानी वाली होली जैसे पहले खेलते थे, कीचड़ में पटकना, गोबर में लेकर कुर्ता फाड़ होली, तो आप किसके साथ खेलना चाहेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मैं उनके साथ खेलना चाहूंगा जो मेरा पहले कुर्ता फाड़ेगा, तो मैं उसका पूरा धोती लुंगी भी फाड़ दूंगा। क्योंकि बुरा न मानो होली है, मैं उन सारे दोस्तों के साथ खेलना चाहूँगा जो कि हम सिनेमा में खेलते हैं, लेकिन एक नियम और कानून डायरेक्टर के दायरे में। और ऐसे रियल खेलने को मिलेगा तो सच में बहुत मज़ा आएगा, और एक दूसरे का फाड़ा जाएगा, फिर बॉडी देखा जाएगा किसका ज़्यादा है, ज़्यादा खेसारी भाई का दिखेगा। खेसारी भाई की बॉडी ज़्यादा अच्छी है। हाँ तो वो बोलेंगे आवा आवा फाड़ा। तो बहुत ही खूबसूरत माहौल है और सभी मीडिया कर्मी दोस्त हमारे हैं यहाँ पे और मैं इन्हीं के साथ, सबने तो बार बार नाम लिया ही, मैं भी ले लूँ। मेरा एक भाई जो कि हमेशा साथ में हुआ करता था, अभी 3-4-5 रोज पहले मैं एक मुहूर्त था, आनंद भैया तो थे ही, मैं फिल्म का मुहूर्त कर रहा था, साथ में था। और उसके दूसरे दिन मैं इंदौर महाकाल का दर्शन करने गया और काल एक यहाँ पे सुनाई पड़ा, जिस काल के लिए मैं दिल से, देखिए नाम भी बुला रहे हैं, छोटू भैया को नमन है, प्रणाम है, दिल से जहाँ भी रहेंगे एकदम खुशहाल रहेंगे। जी सर, आपको बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूँ। आदित्य मोहन जी, आप एक होली मिलन समारोह पर यहाँ पर आए हुए थे जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था। सबसे पहले ऐसे आयोजनों को कैसा देखते हैं आप, कि इनकी हमें हमारी इंडस्ट्री को कितनी ज़रूरत है? जी नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आदित्य मोहन, आप सबको वेरी हैप्पी होली। और जो रहा बात अनंत जी के जो होली मिलन समारोह, भैया एक ज़रूरत बहुत बा। ऐसे क्या होला कि हमने की इंडस्ट्री को परिवार है,
तो अपना परिवार के संगे तो हमने के होली मना ले उस दिन, पर ये होली मिलन के बहाने यही बहाने हमने के अपना जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मीडिया हीरो हीरोइन जितना लोग बाने उनका संगे होली मनावे के हमने के मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा बा, सालों पहले हिंदी में चलत रहे होली मिलन और भोजपुरी में पहले कोविड के पहले भी एक दो बार भेल रहे और फिर से संजना और दीपक जी करवा रहे हैं तो अच्छा लग रहा। आदित्य भाई आपको कोई होली याद है बचपन की जब आपको बहुत ज़्यादा मजा आया हो जिसे आप मिस करते हो? हम बचपन की हर एक होली से मिस करते हैं, वो टाइम ही अलग था घर वाले मम्मी पापा दोस्तों के साथ, तो होली बचपन की तो बात ही अलग है, उस होली को ज़्यादा मिस करते हैं सब करते हैं। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है होली पे सर? क्या क्या पसंद है खाने में, क्या क्या पसंद है आपको होली में? होली में अब हमारे यहाँ तो बचपन में हमने मालपुआ दही बाड़ा कस्टर्ड आइसक्रीम ये सब घर में ही बनता था खाते थे, तो वो सब चीज़ें जो घर में बनती थी अब कहाँ वो मिलता है, उन्हें मिस करते हैं, उन्हें मिस करते हैं। आदि प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ फिल्मों की, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो आपकी रिसेंटली एक फिल्म की जो है शूट वो कम्प्लीट हुई है, ऑडियंस को कुछ बताइए ज़रा। और देखिए अभी काफ़ी सारी फिल्में मेरी कंप्लीट हुई है जो पाइपलाइन में अब रिलीजिंग पे हैं, जिसमें लास्ट ईयर मैंने जान हमारा हिंदुस्तान किया, उसके बाद मैंने एक अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म की है अंजलि टाइटल है उसका, जिसमें आनंद जी ने काम किया है और कोई गेस्ट अपीयरेंस है मीडिया ने प्रॉपर इन्होंने एक्टिंग की है उसका फीस भी लिया है। काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वो लेके मार्केट में सबके सामने आऊँ तो पसंद आएगा सब किसी को, अच्छा लगेगा। क्या सब्जेक्ट लाइन है अंजलि की? देखिए अभी तक अब स्टोरी में ज़्यादा नहीं ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस एक हिंट, ये फर्स्ट टाइम मैं इस फिल्म का ऑनलाइन मार्केट सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पब्लिसिटी कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कहीं कोई हल्ला नहीं किया। जो आज की हमारी सोसाइटी में चल रही है आजकल फेसबुक और इंस्टा पे बड़े प्यार के किस्से चल रहे हैं, कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा कि पबजी के जरिए इनका डायलॉग है हमारी फिल्म में कि पबजी के जरिए सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई, पर अपने आदित्य, फिल्म में मेरा नाम आदित्य, आदित्य की गर्लफ्रेंड भारत की होके भारत में ही नहीं आई। तो ये चार लाइन में मेरी पूरी फिल्म की स्टोरी है कि एक हीरो को कैसे डिजिटल प्यार होता है फेसबुक इंस्टा से, और उसकी मुलाकात उस लड़की से नहीं हो पाती है, फिर वो उसको कहाँ कहाँ ढूंढता है, क्या होता है, और फिल्म एक टाइम पे जाकर हॉरर मोड़ लेती है। बाकी जब ट्रेलर आएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यही सवाल है कि कब आ रहा है ट्रेलर अंजलि का और फिल्म कब आएगी? अभी पोस्ट का काम चल रहा है, 2-3 महीने तो आराम से लग जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए है, अंजलि के लिए है, और ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे थिएटर के लिए फिल्म है या फिर ये टीवी के लिए होगी? नहीं अभी तो जितनी फिल्में हैं सब टीवी के लिए ही हैं, तो टीवी के लिए ये फिल्म भी है मेरी। आदित्य थैंक यू, थैंक यू आपको भी, और ग्रेट विशेज आपके फिल्मी करियर के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। रोलिंग। पहले उपस्थित यहाँ पे सभी कैमरा बंधु सभी मीडिया बंधु को मेरा दिल से धन्यवाद, जो भोजपुरी जो दीपक ने करवाया है वेलकम भोजपुरी, तो वेलकम भोजपुरी में सब हमारे मीडिया बंधु का स्वागत है। मैं रजनीश वर्मा गोलू आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो सर ने बोला एक गाना सुनाइए, तो जानते हैं कि भोजपुरी है, भोजपुरी में पवन सिंह के बिना कोई गाना नहीं चलता, तो पवन सिंह का एक गाना है भोजपुरी का जो पत्नी सुनाती है पति के लिए, एक व्यथा है उसमें पत्नी बोलती है कि मतलब हमारे पति बॉर्डर पे, एक मिनट सॉरी गाना दूसरा। चलिए मेरा एक गाना अभी नया नया आ रहा है जो बहुत वायरल हो रहा है अभी कि देवर के साथ रघु की मर्द के साथ, तो उसे भी एक गाना है, अरे कि सुनता निहला हम टीवी अखबार के कि काहे नहीं खे भाव देते अपना भतार के, कि सुनता निहला हम टीवी अखबार के काहे नहीं के भाव देते अपना भतार के, बाटे का सच तनी हमके बतावा ऐसे ना हंस के भौजी पोहलावा, कि भीतरी ले रंग ले देवरा तो हर भौजी अंग बा। तो लड़की कहती है का भौजी हमार कहानी का कि भतरू के छोड़ा हमें देवर पसंद बा, भतरू के छोड़ा हमें देवर पसंद बा। तो उसी के साथ आप लोग खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए अपने रजनीश वर्मा गोलू को, और आगे हम लोग का बहुत सा प्रोजेक्ट आएगा, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, और अभी तो समाप्त करता हूँ। सर कैसा अनुभव रहा यहाँ जो भोजपुरी के सारे अपने भाई बंधु थे, जरा अनुभव बताइए, बहुत सालों बाद तो मिले होंगे सबके साथ। हाँ सर बहुत, हम बहुत लोगों से मिले, आदित्य मोहन भैया अभी आपके साथ थे, अभी जाते जाते हमने उनको लव यू बोला, उसके बाद हमारे साथ मनोज भैया है, मनोज आर पांडे भैया, जिससे इन लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी इन लोग हम तो उनके आगे बहुत बच्चे हैं, इन लोग को हम लोग देखते देखते बड़े हुए हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला भोजपुरी में। और सबसे बड़ा दिल से धन्यवाद मैं दूंगा दीपक भोजपुरिया को, जिन्होंने इतना बड़ा मतलब भोजपुरी के लिए सब परिवार को एक साथ जुटा दिया,
तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक को और भोजपुरी परिवार को जिन्होंने इतना समय यहाँ दिया इतने बिजी अवस्था में। कहना चाहते हैं कि यहाँ का होली का कार्यक्रम, भोजपुरी होली का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। और दीपक जी के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? दीपक जी इतना बड़ा प्रोग्राम किए और सभी भोजपुरी समाज को इकट्ठा किए, इसके सबसे ज्यादा उनकी बधाई मैं अपने तरफ से दे रहा हूं। सर जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एक साथ भोजपुरी में, मैंने अभी तक तो अपनी आंखों से नहीं देखा था, एक साथ नौ नौ फिल्म की मुहूर्त के लिए, तो जरा दर्शक बताइए कि आप नौ मुहूर्त का फिल्म कर रहे हैं और आपकी दो फिल्म कब से जा रही है, जरा उनके नाम बताइए। अभी आप लोग के आशीर्वाद से कर रहे हैं हम एक फिल्म, तो हमारी पहली फिल्म है पांडे जी जो 20 अप्रैल से स्टार्ट होनी है और संयम बीबीएस, दो फिल्म साथ में जा रही है, बैक टू बैक सभी फिल्म है। और अपने कामयाबी का श्रेय किसे देंगे सर? माता पिता को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि भोजपुरी होली समारोह का कार्यक्रम? मैं बोलना चाहूँगी कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा, भोजपुरी का मेरा पहला था ये कार्यक्रम जिसमें मुझे बहुत इंजॉय हुआ और यहाँ बहुत चीज़ें सीखने को मिली और मुझे ये अवार्ड मिला है, सो आई एम सो हैप्पी। किस कैटेगरी मिला मैं मुझे बताना चाहिए? बेस्ट एक्ट्रेस। जरा आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे दर्शकों को? जी मेरी अभी फिल्म एक रिलीज़ हो चुकी है, दिदिया के देवर दिल ले गए, और अभी एक आने वाली है घर वाली बाहर वाली 3। ओके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या जाएंगे? चलो आपसे पूछते हैं। सबसे पहले बताइए कि होली का ये कार्यक्रम कैसा लगा? होली का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, डांस किया और बहुत सारे लोगों से मिला, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है लोगों से मिले, तो जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो सबसे मिलना भी हो जाता है और मस्ती भी हो जाती है, और इस इवेंट में तो खाने भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक चीज ये देख रहा हूँ कि आपके हाथ में अवार्ड था, अवार्ड किस लिए मिला और किस गाने पे आपने परफॉर्म किया, कुछ बताना चाहते हैं? गाना तो बुलेट जीजा जी पे किया था, मैंने और प्रियांशु ने साथ में किया था, और ये अवार्ड सम्मानित के तौर पे मिला है। तो प्रियांशु जी और आपको हम इंस्टाग्राम पे भी खूब देख रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं, बहुत अच्छी जोड़ी जम रही है। हमारी वाइस बहुत अच्छी है, टच वुड नजर ना लगे भगवान की, तो वो मुझे सपोर्ट करती है, मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, हम दोनों की वाइफ्स बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्री में लोगों की वाइफ्स कम मिलती है, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते या कंपटीशन रखते हैं, जलन रखते हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, वो मुझे सपोर्ट करती है, मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, मैं एज अ छोटी बहन की तरह उसको सपोर्ट करती हूँ। जी सर आप बताइए, दीपक भोजपुरिया ने इतना शानदार होली मिलन का कार्यक्रम रखा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और दीपक भोजपुरिया एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है जो आज से नहीं, हम आज उसको जब से वो इंडस्ट्री में कदम रखा, एक छोटा सा बेचारा, वो इतना स्ट्रगल किया है कुछ बता नहीं सकते, हम उसकी स्ट्रगल हम देखे हुए हैं गोरेगांव में देखा हुआ है, बेचारा वो अपने बिजनेस को कैसे धंधा करके वहाँ से भी टाइम निकाल के भाग के जाता था भोजपुरी को, अपने आप को मतलब दिखाने के लिए कि हम भोजपुरी के भी एक ऐसे कलाकार हैं, और जो लोगों का कलाकार की पहचान भी उसके अंदर में है ऐसी बात नहीं है, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपक भाई का जो आज इस जगह पे आए, मैं चाहूँगा कि भगवान से कि उसको अच्छी जगह और इससे भी बड़ा कार्यक्रम करने का नेक्स्ट होली समारोह में ये मिले हमें अवसर। शुक्रिया सर। मतलब यही, चलो शुरू करते हैं। नहीं पहले ऐसे बात कर लेते हैं, उसके बाद शुरू। क्या बात है, मजा आ रहा है ऐसे ही। नहीं तो बातों में इंटरव्यू ले लो भैया, ताकि ये भी करे। प्रियांशु जी सबसे पहले जानना चाहेंगे आप बहुत सालों बाद भोजपुरी का इतना शानदार होली मिलन का कार्यक्रम, उसके बारे में। मैं पहली बार होली मिलन का समारोह में आई हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, और स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री का कि मैं आज भोजपुरी इंडस्ट्री में 4 साल बाद पहला होली समारोह कर रही हूँ, और क्योंकि मैं ऐसे होली नहीं मनाती तो इंडस्ट्री वाला होली मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे रंग लगता है ना, और बच जाते हैं हम लोग, तो मुझे बहुत मज़ा आया, हमारा परफॉर्मेंस था, हम लोग जस्ट अभी परफॉर्म करके आए हैं, एंड हमारा साथ में परफॉर्मेंस था। बुलेट में राजा जी क्या हो गया आपको? इनको इनको बिना पिए चढ़ गया। नहीं नहीं यही तो था ना। नहीं कि ऐसे कैसन होली खेलावे लहो बुलेटवा वाले जीजा जी। होली होली इज ऑल अबाउट जीजा साली और देवर भाभी। मेरा इयररिंग निकल गया, बताओ।
बॉन्डिंग के बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंट है बताना, तो हम लोग कैसे मिले होली पे? हम लोग इंडस्ट्री में सबसे पहली बार होली के इवेंट पर ही मिले थे। सच में कितना टाइम हो गया, इट्स बीन 4 years, और 4 साल पहले हम लोग होली के इवेंट पर ही मिले हुए थे इंडस्ट्री में। तब मैं बहुत नई थी, इन्होंने तो फिर भी बहुत सारा काम किया था यहाँ पर, और मुझे पहली बार मिलकर भी बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं नीतिका दी से पहली बार मिल रही हूँ। और रही बात बॉन्डिंग की, तो इस पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बॉन्डिंग मेरी इनके साथ ही है, जो कि अक्सर आप लोगों को दिखते रहती है सारे अवार्ड शोज में, सारे इवेंट में, सारे इंटरव्यू में, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। अभी तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पे हम क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग तहलका मचा रहे हैं। हमने सोचा है कि कुछ नया कंटेंट बनाते हैं। आग लगा रही है, मैं देख रहा हूं। आज से इनका एक फॉलोवर्स और बढ़ जाएगा। हाँ भाई, एक क्यों, बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। मैं तो एक स्पेशल बनूंगा, सारे लोग हमारे जितने चैनल हैं सभी से बोलता हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाइए और जल्द से जल्द। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं वो मैसेज रिक्वेस्ट में चला जाता होगा तो अलग बात है, बट मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, सारे लोग जो मेंशन करते हैं सारी लड़कियाँ रिप्लाई करती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सारी अगर सारी लड़कियां नहीं रिप्लाई करती तो इसके पीछे भी रीजन होता होगा, क्योंकि बहुत सारे दोनों करेंगे और बहुत ही कई बार अजीब अजीब मैसेजेस होते हैं, तो आप सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, आप जिनको जानते हो उनको ही रिप्लाई कर पाते हो, सबको रिप्लाई करते हैं। आप दोनों किस पिक्चर में साथ में दिखने वाले, कुछ चल रहा होगा जरा बताइए जैसे वो किस बॉन्डिंग के लिए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप किसी फिल्म में ही साथ में दिखो, पर फिल्म के अलावा हम लोग हर जगह साथ में दिखते हैं। तो हम शायद फिल्म भी साथ करें बहुत जल्द, अगर भगवान ने चाहा तो फिल्म साथ करेंगे। मेरा इयररिंग गया। तो आप तो गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, थैंक यू। आप हमेशा मेरे गाने नहीं। के पीछे क्यों लगे रहे हैं? अभी अभी डाल दीजिए, नहीं गिरेगा। आप इतना अच्छा गाती हैं तो प्लीज गा दीजिए। अभी मैंने गाकर सुनाया बुलेटवा वाले जीजा जी जिस पे हम लोगों ने परफॉर्म किया है। हाँ, कोई और गाना है होली का? लसर लसर। ये लड़की एक्चुअली में भोजपुरी नहीं है तो माफ कर दे लोग, लसर लसर, 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 लसर है, जो भी है अंडरस्टैंड कर जाना क्या हो गया। गाना जैसा कि आनंद जी हमेशा मुझसे हर इंटरव्यू में डिमांड करते रहते कि तुम गाना सुना दो, आता तो है नहीं मुझे इतने अच्छे से, पर फिर भी मुझे बड़ा मजा आता है गाने में, तो आपके लिए स्पेशली आनंद जी। जबरी जी जा डाली जनी रंगवा मुरला हंगवा लस लस करना। हो गया आपके लिए, बहुत है और सही लसिया जैसे भैया रायत है। हाँ, बहुत सारे गाने हैं, मैंने भी गाया हुआ है, देख लो यू नो थोड़ा ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच गाइस, एनी क्वेश्चंस? और आप सभी को होली की ढेर। ऐसे तो बैकग्राउंड से बोल रहे हैं ना आप लोग, बहुत इरिटेट होते हैं इधर इंटरव्यू में। राहुल जी हमारे इंटरव्यू में आइए ना, नहीं आएंगे बिल्कुल, आइए ना, इनको बीच में लीजिए ना, आप लोगों को हमारा साथ में लेना चाहिए था इंटरव्यू। क्या सबसे पहले राहुल जी ये बताइए, आपके बगल में दो सुंदर कन्याएं खूबसूरत हैं, जी जी, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप किसके साथ पहली बॉन्डिंग शेयर करेंगे? एक नाम लेना जरूर। एक नाम कैसे ले सकते हैं, दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों के क्यों, एक फिल्म में दो हीरो नहीं होती क्या? कभी लड़के जहां दो लड़कियां हो वहां किसी एक का नाम तारीफ नहीं करेगी, तारीफ नहीं करेगी, एक हीरो दो हीरो रह सकती है, तो वैसी फिल्म करेंगे ना साथ में, कि दोनों का रोमांस हो सके। जल्दी करेंगे आज बहुत सालों के बाद जी, भोजपुरी जगत ने भोजपुरी होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा था, आप शायद पहली बार यहाँ आए हुए जी, 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 जी। अपने अनुभव के बारे में दर्शकों से। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे प्यार दे रही है, बस मैं क्या कहूँ, वो प्यार अपने दिल में भरते जा रहा हूँ, और लोगों को यही कहूँगा कि आप ऐसे प्यार करते रहिए मुझे, और बहुत मजा आया, पहली होली थी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत इंजॉय किया मैंने। सर, एक एंग्री यंग मैन का जो आपको टैग लगा हुआ है, यहाँ बहुत हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कौन सी प्रोजेक्ट आपकी आ रही है? देखिए, खिलखिला तो इस रहे हैं क्योंकि होली का पर्व है और होली का टाइम है, तो ज़रूर खिलखिलाना चाहिए। फिल्म आ रही है, राजा राम आ रही है, सनम आ रही है, मांग भरो सजना आ रही है, और कुतुब मीनार आ रही है मेरी। वाह,
खुशी के कई मौके हैं सेलिब्रेशन के, जी जी बिल्कुल मौके हैं राहुल शर्मा के पास, जी जी बिल्कुल बहुत सारे मौके हैं और दोनों हसीनाएं हैं साथ में तो जरूर जरूर दे रहे हैं आप इतनी। अच्छा राहुल जी, दोनों जो है इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हो रही है, जी 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 आपके साथ कभी जी रघी शक्कर के नहीं नहीं फेमस हो जाए, आज हमारे राम जी का मुंह हमें लग जाए, लग जाए ऐसा हो जाए कि पूरे इंडिया में नीतिका और प्रियांशु फेमस हो जाए। राहुल शर्मा नहीं हो, राहुल शर्मा और राहुल जी को रील कहां बनाए हैं, जिन्होंने रील बनाया साथ में वो फेमस होंगे ना, आप रील बना लो आप भी फेमस हो जाएंगे। रील वाले कहां हैं, बगल में नहीं खड़े, मैं ही खड़ा हूं आपके बगल में, कहां रील वाले कहां चले गए, देखिए हम दोनों फेमस होंगे आप बीच में आप ऑटोमेटिक फेमस हो जाएंगे। चलिए चलिए बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हो जाएगा तो, आशीर्वाद हमारे पर गिरेगा थोड़े छींटे आप पे भी पड़ेंगे। बिल्कुल 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 मैं छोटे से आगे जाऊंगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं सभी आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहूंगा और तमाम दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहूंगा एंड हैप्पी होली, अच्छे से खेलिए एंजॉय कीजिए और मजे कीजिए, थैंक यू हैप्पी होली, हैप्पी होली, थैंक यू धन्यवाद। चलो बाय गाइस, जा रहे हैं क्या, कहाँ जा रहे हैं, बाय बाय।